एंजल, आप कुछ बोलना चाहोगे इसमें? जी, थैंक यू मैलेज जी। हाँ, मैंने इनसे सवाल करना है। आप मुझे ये बताइए, आप कुरान पे ईमान रखते हैं? अच्छा, ये भी पूछने की बात है। चले फिर, ईमान रखते हैं तो आप मुझे ये बताइए कि अल्लाह ने आदम को किस तरह से बनाया? मिट्टी से बनाया? मिट्टी, जी मिट्टी, पानी, ये सब जो नहीं, नहीं पानी नहीं, सी नेचुरल बता रिसोर्स दीजिए ना, होते हैं। कुरान के कुरान में क्या लिखा है? मिट्टी से बनाया ना? जी जी हाँ, चले बस, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए आप। मैं देखिए, मैं एक इंसान हूँ, मैं अपने आप को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैंने सोचा कि भाई मैं कौन हूँ, तो मैं क्या किया, मैं माजी में गया। मैं एक ऐसा वक्त था, मैं 20 साल का था, फिर मैं 10 साल का था, 5 साल का था। एक ऐसा वक्त भी था कि मैं माँ के पेट में था। जिस दिन मेरी माँ प्रेग्नेंट हुई, वो मेरी जिंदगी का पहला दिन था, मेरा नुक्ता आगाज था। मेरा नुक्ता आगाज वो क्या था, मैं एक छोटा सा सेल था, ठीक है, ये मेरा नुक्ता आगाज है। इसके बाद मैं डेवलप हुआ, ठीक है। मेरी माँ ने अपने पेट में मुझे 9 महीने तक रखा, ठीक है, दुनिया में मैं आया, ये मेरी स्टोरी है। सही, एक्चुअली अफगान, तो आप कब जा रहे हैं अफगानिस्तान? जी मैंने बोला था ना कि पाकिस्तान के अंदर भी आ जाएगा इंशाल्लाह, आप वेट करो सिर्फ। आप चाहते हो, अच्छा आप क्या चाहते हो कि पाकिस्तान में, आप क्या सोचते हो आपके लिए आइडियल क्या होगा पाकिस्तान में, भी क्या चीजें होनी चाहिए? जी हमें साहब जी बताएं ना, पाकिस्तान परफेक्ट कैसे होगा, आप जी क्या शरिया लॉ होना चाहिए चीजें पाकिस्तान लेना के अंदर, ये जी चाहोगे? बोलो बोलो। शरिया लॉ होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, ये चोर डाकू लुटेरे को सजा देनी चाहिए, ये जो चोर होते हैं, जो रेप्स करते हैं लड़कियों के, उनको सरेआम फांसी देनी चाहिए। अच्छा, उससे खत्म हो जाएगा आपको लगता है? तो बिल्कुल बिल्कुल, जीरो शरिया लॉ आएगा तो आपका फिर इंटरनेट भी बंद हो जाएगा। जी। कुरान पाक में हेलो, ये भी लिखा है कि आप दुनिया के साथ चलो, अपने अपने दिमाग से सोचो। अच्छा तो जहां इंटरनेट यूज करने की बात आती है तो कुरान पाक आपसे कहता है कि दुनिया के हिसाब से चलो, मगर जहां लड़कियों के कपड़ों की बात आ जाती है तो वहां आप कहते हो कुरान पाक के हिसाब से चलो। और फिर कुरान पाक ये भी कहता है कि मैं हर जमाने के लिए बना हूँ, तो यानी कि अगर कुरान पाक में लौंडियां लिखी हैं पहले जमाने के लिए तो इस जमाने के लिए भी लिखी हुई है ना। तो ये आपकी जो ना दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, विच वन इज ट्रू? समझ में आई जी आपको मैं वही क्या बात बोल है रही ना, हूँ? जो पहले जमाने में तीर, जी, जो पुराने जमाने में तीर होते थे, आज हम उनको न्यूक्लियर बोलते हैं। मतलब हर चीज में, मतलब हम भी, मतलब कुछ चीजें हैं जो पुराने जमाने में होती थी, अब वो नहीं होती हैं। पुराने जमाने में आमने सामने जंग होते थे तलवार के सामने, तो आज वो नहीं होता है। नहीं, आजकल भी होती हैं जंगें इस तरह से, तो जब यहाँ पर अभी चाइना और इनके हो गया तो अब तलवारें नहीं है, बॉम्ब्स हैं और दूसरी चीजें हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, जंग तो होती है, राइट? नहीं, आप कह रहे हो कि कुरान पाक ने लिखा है कि जमाने के हिसाब से चलना है, तो जमाने के हिसाब से अगर आपने चलना है तो आपके कुरान में पता नहीं कितनी चीजें लिखी हुई हैं जो जमाने के हिसाब से चेंज होगी, ठीक है? मगर फिर एट द सेम टाइम आपको कुरान ये भी कहता है कि मैं हर जमाने के लिए लिखा हुआ हूँ, मतलब कि स्लेवरी, सेक्स स्लेव्स, औरत को मारना और ये सारी चीजें जो हैं आप आज भी कर सकते हो क्योंकि कुरान हर जमाने के लिए बनाया है। ये समझाओ मेरे को, आई एम कंफ्यूज्ड। जी मतलब गुड पॉइंट आपका, बात सही है, लेकिन कुछ गुड पॉइंट चीजें हैं जो आपका। आपको खुद सोचनी पड़ेंगे कि हमें साहब जी, आप सोचो कि आप जो कह रहे हो कि मुझे शरिया लॉ चाहिए है, आप अभी मुझे एक बात बताओ, अभी लॉकडाउन हुआ था ना पाकिस्तान में, आप घर में बंद हुए थे? घर जी। में तो आप लॉकडाउन ये हुआ था बोलते हो कि हम आपने? लड़कियों को कमरे के अंदर बंद करते हैं? नहीं, आपको बंद किया था घर में है ना, जी मतलब, तो आप अच्छा ये तो वुमेन्स सोचो की कि बात औरतों करते को हैं, आप तो आप कैद कर क्रिश दोगे तो कैसा होगा? अभी मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अभी एक स्टोरी देख रही थी किसी की, तो ये बंदा पाकिस्तानी है, राइट? तो उसने, कोई सिंगर है वहां पर, कोई कॉन्सर्ट हो रहा है तो वहां पे उसने वो बनाया है, राइट, वीडियो। वहां सारे मर्द, सिर्फ लड़के ही लड़के,
लाइक औरतों का दिल नहीं करता कि हम भी जाएं कॉन्सर्ट्स में, यहाँ भी तो जाती हैं औरतें, यहाँ पर भी आते हैं सिंगर्स, पाकिस्तानी भी आते हैं, इंडियंस भी आते हैं, पाकिस्तान यहाँ के पे अंदर भी नहीं जाते हैं? आते हैं। हाँ यहाँ आते हैं, क्यों नहीं आते हैं पाकिस्तानी सिंगर्स? अभी नहीं आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, मगर यहाँ पे हमेशा शोज हो रहे होते हैं, यहाँ तो बहुत आते हैं। आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे अभी पता नहीं कौन सा अवार्ड हुआ था, पूरे सारे पाकिस्तान के आए थे, औरतें थी, मरते किसी ने किसी को हाथ नहीं लगाया, लड़कियां हिजाब में भी थी, लड़कियां ड्रेसेस में भी थी, लड़कियां स्कर्ट्स में भी थी, शलवार में भी थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इंडियंस भी थे, पाकिस्तानी भी थे, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, गोरे भी थे, नो बड़ी हैड अ प्रॉब्लम, कुछ नहीं था, यू नो। मगर आप वहीं पे वही चीज, आपने वही किसने पाकिस्तान बोला? में आप ले आओ तो आपको एकदम से प्रॉब्लम हो जाती है, व्हाई? नो मैम, आपने किसने बोला कि पाकिस्तान लड़कियां मतलब शोज वगैरह में नहीं जाती हैं? आपको किसने बोला? ज्यादा आप शरिया लेकर आने वाले हो, अभी इस वजह से जाती हैं क्योंकि पूरा शरिया नहीं है, शरीयत लेकर आओगे आप। अब मुझे ये पता है कि सऊदी अरब में शरीयत है, ठीक है ना, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि लोग पार्टी वगैरह नहीं करते हैं, लड़कियां भी करती हैं पार्टी, वो निकाब पहनेंगी, अंदर से स्कर्ट पहनेंगी, और किसी के घर जाएंगे वहां पार्टी चल रही होगी, वहां धोबी चलेगी, सब कुछ होता है, राइट। मगर मैं आपसे एक बात कर रही हूँ कि वही चीज जो अभी ओपनली हो सकती है, अभी भी हो रही है पाकिस्तान में, छुप छुप के हो रही है, मगर अब फुल शरिया अगर वहां आ गया तो दैट इज इम्पॉसिबल। ये सब कुछ जैसे अभी ये लोग ले आए थे सऊदी अरब में, क्या था, थिएटर्स बंद हो गए थे, आप मूवीज नहीं देख सकते थे, पहले पहले तो बहुत स्ट्रिक्ट होता था ना, औरतें ड्राइविंग नहीं कर सक रही थी। आप चाह रहे हो कि ये चीजें स्टार्ट हो जाए पाकिस्तान में, जिससे सऊदी अरब जान छुड़ा रहा है, आप कह रहे हो उस पर आ जाओ। जी मतलब सॉन्ग्स ये सब कुछ होनी चाहिए, लेकिन बेहयाई नहीं होनी चाहिए। कुरान पाक भी यही बोलता है कि आप काम करो लेकिन बेहयाई को नहीं मिलाओ। मतलब आप फैशन कर सकते हो, आप छोटे कपड़े नहीं पहन सकते, आप सॉन्ग मतलब गा सकते हो, आप मतलब घटिया सॉन्ग नहीं गा सकते जिसमें गालियां हो ये वो। तो थोड़ी सी चेंज भी है मतलब इस्लाम में, अच्छा, आप बेहयाई बेहयाई की नहीं बात कर करनी रहे चाहिए हो, देखो वैसे। आप बेहयाई की बात कर रहे हो, तो देखियो हामिद साहब जी, आपके अगर आप मेरे सामने आ जाते हो, राइट, और मैंने ऐसे कपड़े पहने हुए, ठीक है, अब मेरे दिल में कोई एक ख्याल भी नहीं है कि मुझे आपके साथ कुछ करना है, या मैं आपको पसंद कर रही हूं, या जो भी है, अगर आपका मुझको देखकर अराउजल हो जाता है तो इसमें मेरी क्या गलती है? फिर मुझे क्यों कवर करना चाहिए? आपको घर के अंदर नहीं बैठना चाहिए क्योंकि आपसे मुझको खतरा है, मुझे तो यानी आपको मुझसे खतरा थोड़ी है, तो जिस चीज से खतरा होता है उसको लॉक करके रखना चाहिए ना हमको। पॉइंट पॉइंट ठीक है। तो खाली मतलब मेरे मूड होते हैं अमित साहब जी, आप तेरा करो आप। जी, तो आप लड़की और लड़का दोनों एक एक दूसरे से मतलब अलग देखते हैं? मतलब मैं मतलब मर्द किसी और लड़की को देखेगा तो उनका नीयत खराब होगा। लड़की का नीयत खराब नहीं होता मर्दों के ऊपर, क्योंकि मतलब हम अलग हैं थोड़े से। मतलब लड़की पैसा देखेगा लड़की के अरे अंदर। होता है हमारा भी देखकर, मगर हम कंट्रोल करते हैं ना उसको, एक कंट्रोल भी तो होता है ना। देखो ऐसे तो आप ऐसे बात कर रहे हो कि अल्लाह मियाँ ने सिर्फ एक ही चीज में आपको कंट्रोल नहीं दिया, वैसे अल्लाह मियाँ ने आपको सारे कंट्रोल दिए हैं। अल्लाह मियाँ ने आपसे ये कहा है कि भाई चोरी, वरना हर कोई चोरी क्यों ना कर ले, राइट। मैं तो अल्लाह मियाँ को फॉलो नहीं करती हूँ, तो मैं चोरी वैसे भी नहीं करती हूँ कि मुझे पता है चोरी की तो मुझको जेल में जाना पड़ेगा पकड़ी गई तो, राइट। आई कैन टेक माई चांसेस बट आई डोंट। मगर मैं एक बात बता रही हूँ, इस वजह से डर नहीं है अल्लाह मियाँ का डर, वो मुझे पुलिस का डर है, क्योंकि उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे दैट कैन अफेक्ट माई लाइफ स्टाइल। अब पाकिस्तान में कितने लोग चोरी करते हैं जो मुसलमान है, करते हैं कि नहीं करते हैं? यू नो दे ऑल, वो सब पक्के मुसलमान है, मगर वो फिर भी चोरी कर रहे होते हैं, दे आर स्टिल डूइंग इट, सो इट्स नथिंग इज दैट इज स्टॉपिंग देम फ्रॉम डूइंग इट, बट आई डोंट डू इट, राइट। ये मैं वो कर रही थी, हाँ तो जी बोलो। मतलब आपको यही प्रॉब्लम है ना कि चोरी चोरी से हाथ नहीं काटनी चाहिए, मतलब इतनी भयानक सजा नहीं देनी चाहिए। ठीक है मैं ये कह रही हूं कि आप लोग यहां जो कंट्री सक्सेसफुल हुई भी हैं उनको क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो? वो सक्सेसफुल किसी वजह से हुई है ना। पाकिस्तान क्यों सक्सेस नहीं है मैम? पाकिस्तान में क्या खराबी है? मतलब क्यों पाकिस्तान में पाकिस्तान क्या सबसे है, पीछे है? आपके घर में 24 घंटे लाइट आती है? जी नहीं मतलब 4-5 घंटे आता है फिर जाता है सारा दिन।
24 घंटे में 4-5 घंटे आके घर में लाइट आती है, पानी आता है आपके घर में सारा दिन? मैम आप बड़े बड़े कंट्री को छोड़ दो, पाकिस्तान उस लिस्ट में आ जाता है ना। आपके घर में पानी आता है 24/7? गरीबी जी वो ही आता है, मतलब जो हमारा जमीन है ना वो मतलब मीठा है अंदर से। बहुत सारे लोगों के पास अभी भी पानी टाइम से आता है, टंकियां भरवानी पड़ती हैं और लाइट वगैरह इलेक्ट्रिसिटी की ह्यूज प्रॉब्लम है। हमेद साहब आप अपने आप के साथ नाइंसाफी कर रहे हो इस चीज इस वक्त, ठीक है? आप एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हो उन लोगों के लिए जो आपका अपना हक है ना वो आपसे छीन रहे। आप एक इंसान हो, आपके मुल्क में हर वो चीज है और हर वो रिसोर्स है जो आपको एक अच्छा शहरी और एक अच्छी लाइफ दे सकता है, मगर आपके जो टॉप पे लोग बैठे हुए हैं वो इस्लाम को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर आप लोगों का पैसा खाए चले जा रहे हैं। और आप लोगों को ये बोला हुआ है कि गुर्बत है, अल्लाह मियां ने दिया है, सहलो, यू नो, उसी पे सहा जा रहा है बस। पूरी दुनिया में आप देखो तो एक इलेक्ट्रिसिटी और पानी दो ऐसी चीजें हैं जो हर किसी को जो है ना दी जाती हैं। यहाँ पे एक इंसान तो छोड़ो, एक जानवर भी बाहर होता है ना, अगर किसी को यहाँ पे जानवर भी मिल जाता है ना, वाइल्ड एनिमल, तो उनको बुलाते हैं, फोन करते हैं वाइल्ड एनिमल वालों को कि आइए इसको उठा के लेके जाइए, या अगर कोई किसी को जानवर को हिट भी कर देता है तो उठा के, यानी इंसानियत तो छोड़ो जानवरों के साथ भी वो लोग करते हैं। पाकिस्तान में किसी को कोई गाड़ी से उड़ा आगे निकल जाए, किसी ने रुकना ही नहीं है, नोबडी गिव्स अ शिट। ये चीज मैं आपको समझा रही हूँ कि आप अपने आप को, यू आर कटिंग योरसेल्फ शॉर्ट सिर्फ अल्लाह मियां के लिए और पाकिस्तान की वो लेने के लिए। आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, अपना हक मांगो जी। नहीं मैं मतलब मैं मुझे वो पता है, जो मेरे रिश्तेदार हैं बलूचिस्तान में उधर पानी नहीं है, मतलब वो तालाब से पानी लेके जी। तो आपने आप खुद की तो बताओ ना, आप एथियज्म में सच्चाई और बुराई है नहीं है? मैं आप बलोची नहीं, आप वापस आप बलोची हो? मैं भी बलोची फैमिली से हूँ ना, कहाँ से हो आप बलोचिस्तान में? मैं वैसे लाड़काने में रहता हूँ, जो पाकिस्तान का सिंध है ना। हाँ काफी हम लोगों की भी फैमिली सिंध में ही रहती है, मगर देवर बलोची, बलोची बोलते थे वो। तो बलोची लोग यार, बलोची लोग तो बड़े जालिम होते हैं, ये सारे जमींदार बलोचियों ने तो मेरा इस्लाम छुड़वाया है वैसे। नहीं आपको किसने कहा कि बलोच जालिम होते हैं? मतलब आप टेररिस्ट की बात कर रहे हो, वो टेररिस्ट हैं, उनको सारा बलोचिस्तान से है, आई मीन बलोची हैं सारे, मुझे कैसे बोल रहे हो आप जी। तो बलोची बलोची जालिम नहीं बोलो, बीएलए वाले वो टेररिस्ट हैं। सुनिए सुनिए, बलोचिस्तान या सिंध में भी जो गांव देहातों में जो वडेरा सिस्टम होता है ना, जहाँ पे वडेरे रहते हैं और ये गरीब लोगों को वो जूती की तरह ट्रीट करते हैं। अब मुझे नहीं पता ये कितना वहां पर तरक्की हो गई होगी या कितनी पुलिस की वो हो गई होगी, नहीं, मगर मोस्ट ऑफ देम वडेरे जो होते हैं वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और फिर पॉलिटिक्स में आने के बाद उनकी जो है पुलिस वगैरह भी उनकी मुंह कर रही होती है और वो जो दिल करता है वो करते हैं उस शहर में या उस टाउन में। ओह इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ बॉलीवुड मूवी, है ना, बिल्कुल बॉलीवुड मूवी का सीन लग रहा है। तो ये चीज हो रही है और वो वहां पर मैं तो खुद देखती थी, जाके लड़कियां उठा के ले आते थे, अगले दिन वापस पहुंचा देते थे लड़कियों को। आप लोगों पे तो इतना जुल्म होता है यार, आप कहां से बात कर रहे हो हमें साहब, मेरा दिल दुखता है आप इतना जुल्म सह रहे हो। बोलो बोलो अमित जी, बस फिर अमित जी अब कहेंगे गुड पॉइंट। जी वो सोसाइटी पे डिपेंड करता है ना, मतलब आज भी हमारे यहाँ चोरी डाकू लुटेरे हैं जो कत्ल कर देते हैं चोरी के लिए, तो वो ये नहीं सोचते कि मेरे हाथ काट दिए जाएंगे, वो लोगों को मार डालते हैं चोरी करके, उन पर गोलियां चलाते हैं। तो सोसाइटी पे डिपेंड करता है ना, अमेरिका में सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका में है लोगों के पास। हाँ मगर फिर भी अमेरिका में लोग पागलों की तरह मार नहीं रहे एक दूसरे को, चाहे हथियार हो या नहीं हो। बात यह कि आपकी लाइफ जो है वहां पर आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको कुछ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। आप अमेरिका और कनाडा इन जगहों से आप कंपेयर कर रहे होते हो
यानी यहाँ के गरीब से गरीब लोग बंदा भी जो है ना उसके पास एक अपार्टमेंट होता है। यहाँ अगर होमलेस आपको दिखेंगे ना जिनके पास घर नहीं होता, या तो वो हैविली ड्रग्स में होंगे या वो खुद बाय चॉइस रह रहे होंगे, वरना यहाँ पर हर किसी के लिए एक शेल्टर बना हुआ है जहां पर बंदा जा सके। पाकिस्तान में मुझे एक बात बताओ कि एक औरत को, यानी गांव देहात की एक औरत को उठ के जा भी नहीं सकती है कहीं पे, क्योंकि उसके लिए एक शेल्टर भी नहीं बना हुआ है। उसका मियाँ उसको कुट रहा है कुट रहा है कुट रहा है, तो पड़पड़ती रहती है, मगर शी हैज नो वे टू एस्केप। और आप फिर यहाँ से यार यू कैन नॉट कंपेयर हमें साहब जी, आप कंपेयर कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं है मैम। पाकिस्तान इज बेटर देन अमेरिका, उनके पास दिल नहीं है। आप मेक्सिको से एक लड़का आता है अमेरिका के अंदर, तो यहाँ कहाँ दिल है, सारा दिल पाकिस्तानियों के पास ही है, जहाँ पे देने कुत्ते की भी लाइफ को नहीं वहां पे वो करते ना, इंसान की वैल्यू करते हैं लाइफ, सब चोरी चकारी कर रहे हैं, ऊपर प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक जमादार जो है वो करप्शन में लगा हुआ है। आप लोग बैठ के वहां लॉन्डिया सपोर्ट कर रहे हो, आप लोग वहां बैठ के शरिया लॉ सपोर्ट कर रहे हो जिसमें ह्यूमन राइट के वायलेशन होते हैं पूरी दुनिया में। वाह जी वाह, क्या ख्याल आते हैं आपके। नहीं मैम, जो मेक्सिको से कुछ लोग अमेरिका के अंदर आते हैं तो कितने चलाते हैं ये अमेरिका वाले, ये लोग आके ये हमारी जिंदगी तबाह करेगा, चाइनीज तो को वो लोग टारगेट करते हैं। आ गए थे अफगानियों को, आप लोग भी बड़ा बुरी तरीके से ट्रीट करते हो पाकिस्तान में, समझ में आई ना, जब आपके मुल्क में आ गए आप भी चीख रहे थे, यूएस फिर भी ले लेता है, नहीं वो मेक्सिकन्स पे चीख नहीं रहे थे, वो मेक्सिकन्स पे जो इलीगली आ रहे थे ना उन पे चीख रहे थे। भाई हम लोगों ने गाड़ मरवाई, हम यहाँ लीगली तरीके से आ रहे हैं, बाकी इमिग्रेंट जो जा रहे हैं वो इतने इतने क्या कहते हैं सालों इंतजार करते हैं, पूरा पेपर वर्क करते हैं, पैसे देते हैं, तब जाके आते हैं, इलीगल लोग ऐसे मुंह उठा के आ जाओ क्यों, वो उस पे चीख रहे थे। ठीक है ना, तो आप अफगानिस्तान लोग तो वाले आप तो किसी को आने भी नहीं देते। अमेरिका में देखो कितने लोग बैठे हैं वहां पर, अब फिर आप कह रहे हो अमेरिका बड़े से मुल्क है, तो फिर सारे पाकिस्तानी बैठे क्यों होते हैं, अमेरिका जाना है कनाडा जाना है, पागल है क्या वो। मैं मतलब अफगान, हाउ मच अफगानी लिविंग इन पाकिस्तान, आई थिंक 2-5 मिलियन, तो हमने उनको कभी नहीं बोला, मतलब वो आपका मुल्क आपको कुछ नहीं दे रहा है, आपको लग रहा है कि आपको बहुत कुछ दे रहा है, आपका मुल्क आपको दे रहा है क्या कहते हैं बाबा जी का ठल्ला, राइट, कुछ भी नहीं, दे आर गिविंग यू शिट, और आप यानी आप उसमें हैप्पी हो, आप कह रहे हो नहीं यार कहां पाकिस्तान जो है 2010 में आ गया है, इसको वापस लेंगे चलो 14th century में शरिया लॉ लेकर आओ। वैसे हमें जी मैं आपके साथ खड़ी हूं, मैं चाहती हूं कि पाकिस्तान में शरिया लॉ आए, क्योंकि आप लोग फिर यहाँ पे बैठे नहीं हो गए, इंटरनेट यूज नहीं कर रहे हो गए मुझको बताने के लिए अब आपको कैसे फील हो रहा है। ठीक है ना, मुझे बस उन लोगों के लिए फिक्र होती है, औरतों के लिए जिनके ऊपर तशद्दुद होगा, मर्द तो फिर भी थोड़ा बहुत बच जाते हैं, मगर नहीं उन्होंने आपकी गांड में भी ना AK-47 डाल देनी है। चले सॉरी, आपको मारवी शर्मन जैसी लड़कियों को आप सपोर्ट करते हो रिप्रेजेंट, आप मुसलमान लड़कियों को रिप्रेजेंट नहीं करते हो, आई एम सॉरी, मैं सबको रिप्रेजेंट करती हूं। कौन मुसलमान, आप एक आप कौन होते हो, आप कौन होते हो डिफरेंशिएट करने में कि ये लड़की अच्छी है और मैं अच्छी नहीं हूँ, आप कौन हो जी, आप सारे मर्दों को गालियां देते हो तो आप भी यही सोचो ना कि तो सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। गाली नहीं देती, मैंने कभी दीपक जी को गाली नहीं दी, आपको भी कभी गाली नहीं दी है मैंने, वैसे बाय द वे कभी गाली दी हो तो मुझे बताना, ठीक है ना, मैं उनको गाली देती हूँ जो मुझे गाली देते हैं, मैं क्यों किसी की सुनूं, क्यों मैं औरत हूं तो मुझे किसी मर्द की गाली सुनना मेरे पे जायज है, नहीं आई डोंट थिंक सो, मुझे कोई चमाट मारेगा तो मेरा हक बनता है कि मैं उसको उठा के दूसरा चमाट मारूं या नहीं मारूं। आपकी बहन को कोई गश्ती बोलेगा आप चुप करके सुनोगे या आप उसको जवाब दोगे, बताइए हमें साहब। नहीं मैं खुद लड़कियों को मतलब सपोर्ट करता हूँ हर चीज में, मैं चाहता हूँ आगे बढ़े, लेकिन फेमिनिस्ट हमें पसंद नहीं है, फेमिनिस्ट नहीं चाहिए हमें पाकिस्तान के अंदर, पसंद है ऐसा हम क्या मांग रहे हैं जो आप मुझे बताओ, आपको फेमिनिस्ट की कौन सी एक बात है जो बहुत खटकती है, कपड़े हैं, कपड़ों से आपको प्रॉब्लम है, कपड़े पाकिस्तान के पर अटैक करना, मर्दों को गालियां देते हैं पाकिस्तानियों को, अटैक करना गंदा क्या करते हैं। एक सेकंड, पहले पहले एक एक चीज से चलते हैं, पहले आपने कहा मर्दों को गालियां देना,
किन मर्दों को गालियां दे रही है वो। अगर आप किसी भी हमारी एक्ट्रेस की वेबसाइट पे जाओ या कहीं भी चले जाओ, राइट, मॉडल्स, एक्ट्रेसेस, सिंगर्स, वो लोगों की इतनी बड़ी फॉलोइंग है, वो बेयरली किसी को भी कभी जवाब नहीं देते हैं। मगर नीचे आप देखो सिर्फ गालियां लिखी होती हैं, सिर्फ गालियां लिखी होती हैं, वो तो जवाब ही नहीं देते, ठीक है। मगर अगर कोई आपको आगे से गाली दे तो क्या औरत गाली ना दे? तो आप कह रहे हैं गाली, गाली से वैसे होता कुछ नहीं है, ठीक है ना। गालियों से कपड़ों पे आ जाओ, कपड़ों में हाँ, गाली को भी आप फ्री स्पीच कपड़ों बोलते हो ना मैम। से प्रॉब्लम क्या है आपको? जब प्रॉब्लम आपके अंदर है, आपका जो खड़ा होता है हमारे कपड़े देखकर, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सक रहे हो। औरत तो जाके मर्द के ऊपर नहीं चढ़ रही ना जबरदस्ती, तो प्रॉब्लम आपके अंदर है, मगर आप चाह रहे हो कि औरत उसके लिए चुप होके बैठ जाए, अपने आप को ढक के बैठ जाए घर में। क्यों आप ढक के बैठो घर में, आपको प्रॉब्लम है? जी, ये सूर्य है नूर में लिखा है ना आयत नंबर 31 में कि लड़कों भी अपनी नजर नीचे करें ना, लड़के क्यों देखते हैं, मतलब लड़कियों को, ये भी लड़कों की लड़के नहीं कर गलती रहे है हैं ना। ना, लड़के नहीं कर रहे हैं, ये तो आप देख सक रहे हो अच्छे तरीके से, ठीक है ना। लड़के तो क्या बच्चियों पे नजर रखे हुए हैं? आप ऐसे मुल्क की बात कर रहे हो जहां पर एक बकरी सेफ नहीं है, ठीक है ना। आप वैसे मुल्क की बात कर रहे हो, और वहां पे मुझे एक बात बता दो भाई, मुझे एक, वैसे हमिद साहब जी मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में कौन सी लड़की छोटे कपड़े पहन के घूम रही है? आई मीन प्राइवेट पार्टीज में मैं देखती हूँ होते हैं, मगर कोई सदर में, कोई क्लिफ्टन पे छोटे स्कर्ट में पहन के कोई नहीं घूम रहा होता है। तो मुझे तो समझ में नहीं ये आता कि आप औरत चाहते हो कि वो बुरके में घूमे, पूरा ऊपर से नीचे काले उसमें। औरत मर्च वाले आपने देखे, वो जो एक शो हुआ था पाकिस्तानी एक्ट्रेस का, कैसे वाइल्ड मतलब बेहयाई वाले कपड़े थे वो, मैम आपने देखे थे, छोटे क्यों बेहयाई वाले? छोटे आप कपड़े, पिकनिक मुझे पिकनिक बताओ, छोटे पहन छोटे के आए कपड़े थे। देख के क्या हुआ आपका खड़ा हो गया था? छोटे छोटे कपड़े देखकर, दैट्स व्हाई। ये ना मैम, क्या हमें बेहयाई हो गई इन चीजों मुझे से बता प्रॉब्लम है। दो, उसके छोटे कपड़े पहनने से टीवी पे क्या बेहयाई हो गई होगी मुझे बताओ आप। मतलब यूथ को बैकग्राउंड मतलब उनको गुमराह करने में सबसे बड़ा ये लिपरट्स का ही आते हैं, जो एक्ट्रेस हैं, उसके मैं कपड़ों जिस से मैम पोर्न उनकी कैसे गुमराह होगा मुझे बताओ? आपका यूथ पोर्न देख रहा है बैठ के, वो गुमराह नहीं हो रहा? हर किसी के पास हैंड में मतलब फोन है। आपका छोटा छोटा, चलो पॉन्ड छोड़ो, ठीक है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अभी आप यूट्यूब पे जाना, मुजरे लगाना, ठीक है, जो खुसरों के या जो ट्रांसजेंडर्स के मुजरे हो रहे होते हैं ना, वहां देखना जरा आप, वहां पे जो पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं ना, वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और आपको पता है ना वहां पे क्या क्या हरकतें हो रही होती हैं। ये आई आपका एग्री, यूथ मैंने देखे। है ना? हाँ, तो आपका यूथ जो है उसके हाथ में फोन आ गया है, ठीक है ना, वो बैठे होते हैं, वो पॉन्ड भी देख रहे होते हैं, वो सब कुछ देख रहे होते हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो छोटे छोटे लड़के हैं ना, वो पॉइंट बहुत ही जल्दी एज में देख रहे होते हैं। दे आर दे सी लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मैम आप दूसरे में मना करा जाएगा, मत दिखाओ यहाँ में। आपको, आप नंगा नंगा बोल रहे हो तो ना, यहाँ पे नहीं बच्चे देख रहे होते हैं पॉइंट, मगर वहां जरूर देख रहे होते हैं। तो आप क्या कह रहे हो, सोसाइटी, आप समझ रहे हो एक बंदी ने स्लीवलेस पहन लिया तो उससे सोसाइटी खराब हो रही है, मगर जो पॉइंट चल रहा है उससे नहीं हो रही है। और हालांकि पॉइंट तो बैन है आपकी कंट्री में। जी, मतलब आपने सही कहा था कि छोटे छोटे का लड़के वो पैसे उठाते, आई एग्री, लेकिन आप सबको नहीं बोल सकते, मर्दों में भी कुछ बेगैरत लोग हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मेजोरिटी सबको बेगैरत है मर्दों बोलना की, हमें साहब, अगेन आप पाकिस्तान में बेगैरतों की, मर्दों की मेजोरिटी बेगैरत है। बेगैरत नहीं नो होती ना, तो वो लोग खड़े मैम होकर औरतों को राइट्स देते, कहते कि नहीं ये भी हमारे साथ ही साथ है। मैं खुद जानती हूँ बहुत सारे पाकिस्तान में मर्द हैं जो अपनी औरतों को देते हैं राइट्स। पाकिस्तान में बहुत सारी सक्सेसफुल औरतें भी हैं, थैंक गॉड, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको वो राइट्स दिए हैं। मगर आप जैसे लोग जो है ना, जो पाकिस्तान में रहते हैं और कुछ अपनी लाइफ के साथ करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मैं एक लड़की के साथ मैंने कम्पीट किया था देसी कुड़ियों में, वो स्विमर है। तो जब मैं उससे मिली थी ना, तो मैंने उसे ये पूछा, क्योंकि मुझ पे सब लोग चढ़ गए थे बिकिनी पहनने पे, तो मैंने कहा यार तुम तो स्विम करती हो ओलंपिक्स वगैरह में, तुम क्या पहनती हो? कहती है बेथिंग सूट पहनती हूँ। मैंने कहा तुम्हारा माँ बाप सब लोग उससे ठीक थी? हाँ। एंड शी हैज वन गोल्ड मेडल फॉर पाकिस्तान, ठीक है ना, उसकी शादी भी है, उसके बच्चा भी है, वो फिर भी स्विमिंग कर रही होती है। एंड शी इज अ वेरी एजुकेटेड, एक अच्छे खानदान से वो बंदी आती है, ठीक है ना। एंड शी डज, यानी उसको मैंने वैसे नहीं देखा, मगर स्विमिंग वो बेथिंग सूट में ही कर रही होती है।
मगर क्योंकि उसका बाप एक प्रोग्रेसिव बंदा था, खुद भी स्विमर था, उसने अपने दोनों बच्चों को उस चीज में डाला। आप जैसे लोग चाहते हो कि ऐसी लड़कियों के ख्वाब जो हैं, जो कुछ अचीव करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, उसको खत्म कर दो। आप लोग दूसरों मैंने ये कब बोला मारना चाहते हो? नहीं, क्योंकि आपकी जहन गंदा है, क्योंकि आपका बस औरत को देख कर सेक्सी दिमाग में आता है, आप उस औरत से उसके सारे ख्वाब छीन लेते हो। कोई पायलट बनना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, आप कह रहे हो शरिया लॉ लेकर आओ। भैया स्कूल नहीं जाने देंगे वो शरिया लॉ में, क्या आप क्या चाहते हो कि केव मैन में आ जाए वो, जैसे केव्स में रहते थे पहले? अगर आपने दुनिया के साथ नहीं चलना है तो फिर एक काम करो, गारों में बैठो, खच्चरों पर सवारी करो, ये सारे टेक्नोलॉजी वेक्नोलॉजी सब बंद करो, या तो हिपोक्रेट मत बनो, या तो जमाने के साथ चले आप, या तो फिर आप बिल्कुल ही ना जाके 1400 जो है ना उसमें बैठ जाए। यू कैंट हैव बोथ। ठीक है, चले बस आज के लिए इतना ही ठीक है, काफी है हमारा जी। नेक्स्ट टाइम आपसे फिर जरूर बात होगी। ठीक है जी, जी मैम, जी जी, सोचिएगा मेरी बातों के बारे में।